दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन पे एक डिजाइन किया हुआ विजिटिंग कार्ड आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार का विजिटिंग कार्ड अगर आप खुद से डिजाइन करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहे। तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को करते हम शुरू। लेट्स बिगिन द टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस प्रकार का विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने के लिए सबसे पहले एक नया फाइल लेना होगा, जो कि फाइल टैब पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नया फाइल यहां पे आ जाएगा। नया फाइल आने के बाद सबसे पहले आपको विजिटिंग कार्ड का साइज सेट करना होगा। तो साइज सेट करने के लिए पेज लेआउट टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे साइज पे क्लिक कीजिए। साइज कमांड पे क्लिक करने पर सबसे नीचे आ जाइए मोर पेपर साइज पे। तो मोर पेपर साइज पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इसमें आप पेज का जो मार्जिन है इसको आप यहाँ से जीरो कर दीजिए। चारों तरफ आपका जो मार्जिन है ये जीरो होना चाहिए, और पेज का मार्जिन जीरो होने के बाद आप आ जाइए यहाँ पर पेपर पेपर ऑप्शन पे आइए और इसका साइज जो है चौड़ाई आपका 3.5 रख लीजिए चौड़ाई, और ऊंचाई इसका 2 इंच रखिए। ये दोनों साइज डालने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिक्स पे क्लिक कर दीजिए, फिर से ओके पे क्लिक कीजिए। आपका पेज उसी साइज का यहाँ पे आ गया है। तो पेज आ जाने के बाद अब आपको क्या करना, आप फिर से आते हैं इंसर्ट पे, शेप पे क्लिक किए और रेक्टेंगल ले लिए यहाँ से, और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर हम ड्रॉ करके एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे पूरे पेज पे। रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट टैब पे जाना है, यहाँ से शेप आउटलाइन पे क्लिक करना है और नो आउटलाइन कर देना सबसे पहला काम। उसके बाद इसका शेप कलर जो आपका जो है शेप कलर यहाँ गार्डियन कलर ले लीजिएगा, यहाँ मोर गार्डियन ले लीजिएगा। अब मोर गार्डियन में आने के बाद यहाँ से आपको एक गार्डियन कलर चूज कर लेना है। चलिए हम रेड कलर ले लेते हैं। तो चलिए हम एक रेक्टेंगल में गार्डियन फिल कर दिए हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको इस रेक्टेंगल के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा और एक यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो आपको पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर एक हैंडल आ जाएगा। इस हैंडल को पकड़ करके आपको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर की ओर ले जाना है, और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो हैंडल एक यहाँ पर आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा आपको इधर की ओर इस तरह से मोड़ना है। तो इस प्रकार से एक डिज़ाइन बन जाएगा। डिजाइन बन जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉपी करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके कंट्रोल और सी को दबाइए, कॉपी हो गया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसको हल्का हल्का एरो से मूव कर लीजिए, और मूव करके थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आ जाइए इस तरह से। और ऊपर लाने के बाद इसका कलर जो है, इसका कलर यहाँ से आप जो है थोड़ा चेंज कर दीजिए, कोई भी एक कलर यहाँ से ले लीजिए हल्का। और इस कलर चेंज करने के बाद इसको सेंड बैकवर्ड कर दीजिए, पीछे की ओर चला जाएगा। और थोड़ा सा और सेटिंग कर लीजिए, एरो के मदद से आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, इसी को एक और कॉपी बनाना है और पेस्ट कर लेना है। अब पेस्ट करने के बाद इसको भी आप एरो से, एरो की के मदद से ऊपर नीचे दाएं बाएं करके एडजस्ट आपको, तो एरो की के मदद से आपको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करके अब इसको एडजस्ट कर लीजिए, और यहां से 2 बार सेंड बैक कर दीजिए। तो 2 बार सेंड बैक करने से क्या होगा कि आपका दोनों के पीछे चला जाएगा। और इसका एक कलर दे दीजिए हल्का सा, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे। चलिए हम ये कलर डाल देते हैं, थोड़ा सा और एडजस्ट करके नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा अधिक हो गया है। तो हमने ये शेप बना लिया। एन बन जाने के बाद आपको क्या करना है, पेज का बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए आपको डिजाइन टैब पे क्लिक करना है। डिजाइन टैब पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पेज कलर पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर आप आ जाइए फिल इफेक्ट पे। फिल इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पर गार्डियंट ले लीजिए और यहाँ से टू कलर ले लीजिए, और कलर यहाँ से आपको चूज कर लेना है जिस कलर में आपको रखना है अपना पेज का डिज़ाइन। यहाँ से वर्टिकल ले लीजिए और कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ से चूज कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका पेज का डिज़ाइन हो गया। अब इसमें आपको हेडिंग लगाना है, तो हेडिंग लगाने के लिए आपको वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है, और वर्ड आर्ट पे क्लिक करके इसमें से आप कोई भी एक स्टाइल ले लीजिए और इसमें आपको लिख देना है अपने दुकान या अपने संस्थान या अपने इंस्टीट्यूट जो भी आपका है उसका नाम, क्योंकि आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर एजुकेशन, टाइप करके आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको छोटा बड़ा बाद में आप करते रहिएगा। तो हमने लिख लिया, लिखने के बाद कंट्रोल ए दबाएंगे सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट को दबाए रखिए और लेस देन का जो सिंबल है कीबोर्ड में उसको प्रेस करते जाइए, तो ये छोटा होते चला जाएगा। जितना छोटा करना है आपको उसको उतना छोटा कर लीजिए, तो इतना छोटा ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। हेडिंग का कलर अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है सही से, तो हेडिंग का कलर आप यहाँ से बदल भी सकते हैं, सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए दबाइए, इसके अंदर क्लिक करके कंट्रोल ए दबाना है, और यहाँ से आपको फिल कलर ले लेना है जिस कलर में आपको बदलना है। फिल कलर नहीं देना है तो टेक्स्ट कलर डाल दीजिए कोई भी एक। तो चलिए एक टेक्स्ट कलर अच्छा लगता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें आपका संस्थान का यानी कि अपना जो आपका जो भी दुकान है या जो भी इंस्टीट्यूट है उसका एक लोगो यहाँ पर दे दीजिए। लोगो अगर आप बनवा के रखें तो ठीक है, नहीं तो छोटा सा लोगो आप बना लीजिए, या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार का लोगो आपको वहाँ पर मिल जाएगा गूगल में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते। तो हमने यहाँ पे एक लोगो रखा है, चलिए ले लेते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद पिक्चर पे क्लिक कीजिए, पिक्चर कमांड पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें हम डी ड्राइव में रखे हैं, डी ड्राइव में फोटो नाम का जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर हमारा एक लोगो है, इस लोगो को हमने यहाँ से इंसर्ट कर लिया, तो ये हमारा लोगो आ गया। देखिए इस तरह का लोगो आ जाएगा, ठीक है। तो ये लोगो आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्क्वायर पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका इस तरह से लोगो ऊपर आ जाएगा। और यहाँ कॉर्नर पे पकड़ना है और शिफ्ट की को दबाए रखिएगा और इसको इस तरह से छोटा कर लीजिएगा, जितना आपको चाहिए जिस हिसाब से उस हिसाब से छोटा कर लीजिएगा, और इसको उठा करके आपको जिस स्थान पे रखना है उस स्थान पे रख देना है। रख देने के बाद आप क्या करना है, उसके बाद आपको फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ कलर वाला कमांड पे क्लिक करना है। तो कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, सबसे नीचे आपको दिया रहेगा सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका लोगो का जो ट्रांसपेरेंसी था, तो ये हमने अपना लोगो यहाँ पे डाल दिया। लोगो डाल लेने के बाद आपको क्या करना है, विजिटिंग कार्ड किसका बना रहे हैं आप, तो उसका यहाँ पे नाम और उसका पोजिशन दे दीजिए। तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब पे आ जाइए और यहाँ से वर्ड आर्ट ले लीजिए। वर्ड आर्ट लेने के बाद कोई भी एक कलर का और डिजाइन का यहाँ पर ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा साइज छोटा कर सकते हैं स्टार्टिंग में भी आप, अगर बड़ा हो रहा तो। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करके आप लिख लीजिए। तो चलिए हम लिख देते हैं टाइप करके, मिस्टर अपना नाम हम लिख रहे हैं, तो धर्मेंद्र कुमार यहाँ पे टाइप करके हमने लिख दिया। लिख करके आप इसको सही जगह पे रख दीजिए जहाँ पे इसका पोजीशन अच्छा लगे, और उसके बाद फिर से आपको जाना है इंसर्ट टैब पे ही, और उसके बाद फिर से आपको वर्ड आर्ट पे क्लिक करना ही है, और एक किसी भी कलर का ले लीजिए यहाँ से फिर से आप वर्ड आर्ट, और इसमें इसका भी साइज थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए पोजीशन कि क्या करता है वो। तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं कि डायरेक्टर है, डायरेक्टर। तो पोजीशन और नेम जिसका विजिटिंग कार्ड बन रहा है उसका आपको यहाँ पे लिख करके डालना होगा, ठीक है। आप इसका कलर, इसका साइज, ये सारा कुछ अपने इच्छा अनुसार
बदल सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए यहाँ से तरह तरह का कलर है, आपको जिस कलर में रखना है, जिस स्टाइल में रखना है, उस स्टाइल में, उस कलर में, उस डिज़ाइन में आप ले सकते हैं। हम एक बता रहे हैं कि इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद अब आपको देना है मुख्य रूप से नीचे में एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस। इसके लिए भी आप वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। ये सिंपल हम ले लेते हैं वर्ड आर्ट, और इसमें भी इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद अब यहाँ पे हम टाइप करके ले देते हैं बाईपास रोड हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको उठा करके आपको यहाँ नीचे में डाल देना है जिस जगह पे इसको रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक टेलीफोन नंबर देना है, तो इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, साइज थोड़ा छोटा कर लिए, और इसी के अंदर थोड़ा सा स्पेस दे करके आ जाते हैं यहाँ पे। और एक टेलीफोन का सिंबल आपको ले लेना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करके यहाँ सिंबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ टेलीफोन का सिंबल मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो आपको मोर सिंबल पे क्लिक करना है, मोर सिंबल पे क्लिक करके यहाँ विंगडिंग चूज करना है, विंगडिंग, तो आपको इस तरह का मिल जाएगा। इसको इंसर्ट कर लीजिए और क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर नंबर आप लिख दीजिए उस पर्सन का जिसका विजिटिंग कार्ड आप बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम नंबर डाल दिया, और इसको प्लेस करके बढ़िया से आपको रख देना है इधर साइड में। तो हमारा विजिटिंग कार्ड देखिए लगभग जो है बन करके तैयार हो गया। थोड़ा सा टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से होम टैब में जा करके इसका कलर कर देते हैं डीप रेड, और इसका कलर कर देते हैं नीचे वाला का ब्लैक। इसको भी सेलेक्ट करके हम यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं ताकि दिखाई पड़े। तो चलिए अब आप दिखाई ठीक पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।